नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे भारत बेंच का 48-28 और आईएचआर का 60-48। रिजिड सेक्शन में भारत बेंच का सबसे टॉप मॉडल है 16 चक्का, जिसका मॉडल है 48-28, और आईएचआर का भी रिजिड सेक्शन में सबसे जो टॉप मॉडल है 16 चक्का, इसका मॉडल है 60-48। तो इसका दोनों का बीच में आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इसका स्पेशल फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कौन सा चीज़ में कौन आगे है, कौन पीछे है। तो दोस्तों चलिए देर ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत बेंच का इस मॉडल में OM96 इंजन है, जबकि आईएचआर में VDX8 इंजन है। बात करें पावर का, पावर 280 HP है, आईएचआर में 260 HP है। बात करें टॉर्क का तो 1110 न्यूटन मीटर, जबकि आईएचआर में 1000 न्यूटन मीटर। पावर और टॉर्क का मामले में भारत बेंच थोड़ा आगे है, और क्लच का जो डायमीटर है क्लच प्लेट में, तो उसका 430 mm दोनों में सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है। ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का जो बात करें, अगर गियरबॉक्स में तो 8+1 और आईएचआर में 9+1, तो गियर बॉक्स का मामले में थोड़ा आईएचआर आगे है। और अभी बात करें डीजल टैंक और एड ब्लू टैंक के बारे में, तो इसमें भारत बेंच में 330 लीटर का टैंकी मिल जाएगा, जबकि आईएचआर में 350 लीटर का टैंकी मिल जाएगा। एड ब्लू 60 लीटर का टैंकी मिलेगा, जब आपकी आईएचआर में 50 लीटर का टैंकी मिल जाएगा। व्हील बेस का मामले में आईएचआर थोड़ा आगे है। और बात करें GBW, तो GBW दोनों गाड़ी का सेम है। बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट जो सस्पेंशन है दोनों गाड़ी का पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशन है। और भारत में जो एक चीज़ को इसमें एडवांटेज क्या है कि एंटी रोल बार दिया है, जबकि आईएचआर में वो चीज़ मिसिंग है। और बात करें रियर सस्पेंशन की, रियर सस्पेंशन भारत में जो आपको मिल जाएगा न्यू पैराबोलिक विथ बगी सस्पेंशन, जबकि आईएचआर में मिलेगा सेमी इलिप्टिक विथ बैलेंसर टाइप। भारत बेंच का चेचिस में वी रॉड देखने को मिलता है फॉर बेटर स्टेबिलिटी, जबकि आईएचआर में वो सिस्टम नहीं है। अगर बात करें दो गाड़ी के स्पेशल फीचर्स की, तो इसमें एरोडायनामिक सेफ केबिन, क्रूज कंट्रोल, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, ट्रैकोनेट टेलीमेटिक सिस्टम, एग्जॉस्ट ब्रेक, ये सारे कुछ फीचर्स दोनों गाड़ी में मौजूद है। जबकि ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो सिस्टम, रियर व्यू कैमरा और इंजन ब्रेक, ये सब सिस्टम आईएचआर में मिसिंग है। आईएचआर में एक चीज़ जो अच्छा है वो एम बूस्टेड टेक्नोलॉजी फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अगर गाड़ी का प्राइस की बात करें तो भारत में थोड़ा महंगा है एज़ कंपेरिजन टू आईएचआर। तो स्टेट वाइज प्राइस थोड़ा अलग हो सकता है। अगर बात करें माइलेज, तो माइलेज के मामले में आईएचआर थोड़ा सा आगे है। अगर बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज के मामले में केबिन डिजाइनिंग, इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक, पिकअप केबिन और लोड बॉडी सस्पेंशन, ड्राइवर कंफर्ट, ये चीज़ में भारत में लेकिन सबसे आगे है बाकी गाड़ी की तरफ से। और आईएचआर में भी केबिन डिजाइनिंग, आउटसाइड लुक, इनसाइड लुक बहुत ही अच्छा है, माइलेज भी बहुत अच्छा है। और ख़ास करके इसका एक फीचर्स जो अच्छा मेरे को लगता है, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, इसमें DTC क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है, और टेलीमेटिक सिस्टम में प्री डीटीसी जनरेट होने का एक अलर्ट, जो एक नोटिफिकेशन मिलता है ओनर को, ताकि समझ जाए कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक चीज़, कस्टमर सपोर्ट, ब्रेकडाउन सपोर्ट और अप टाइम सपोर्ट, इस चीज़ में लेकिन आईएचआर बहुत ही आगे है। और स्पेयर पार्ट्स का भी मामले में अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज की बात करेगा तो भारत में जो सर्विस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट, लेबर चार्ज, ये सब में थोड़ा महंगाई है, थोड़ा ज़्यादा है। डिसएडवांटेज की अगर बात करेगा तो भारत में, सॉरी आईएचआर में, तो इसमें केबिन और लोड बॉडी सस्पेंशन इसका अच्छा नहीं है, जबकि एड ब्लू टैंक डीजल टैंक के अंदर दे दिया है। कभी भी एड ब्लू रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, या इस टैंक में कुछ प्रॉब्लम या
आगे तो काम करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, यही चीज़। बाकी तो दोनों गाड़ी 19-20 है, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों गाड़ी अच्छा है। अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस BS6 गाड़ी में मेंटेनेंस लेना ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं करवाएगा तो कभी भी गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो दोनों गाड़ी मेंटेनेंस वाला गाड़ी है, तो इसमें आप मेंटेनेंस करिएगा तो गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होगा। और ये दो गाड़ी का जो डिसएडवांटेज है कि बाहर में इसका काम होता नहीं है और पार्ट्स भी नहीं मिलता है, लेकिन अभी धीरे धीरे सब मिल रहा है और काम भी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।